बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी आज हम पेरेंट्स से नहीं बल्कि बच्चों से डायरेक्ट बात करेंगे। जो टीनेजर्स हैं, एग्ज़ाम से पहले जो बच्चों को स्ट्रेसेस होते हैं और उसके बाद उनके जो रिएक्शंस होते हैं, जो बॉडी में उनके प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो किस तरह से उस एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं और एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। क्योंकि यूजुअली एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो बच्चों की कंडीशन होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल मोड पे होती है और उनको लग रहा होता है जैसे वो सब कुछ भूल चुके हैं। जितने भी टीनेजर्स हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। और तो आप ही लोगों के लिए हम ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग तवज्जो से पूरा सुनिएगा और इसमें हम आपको सॉल्यूशंस और ऐसे टिप्स देंगे जिसको सुन के आप एक बहुत ही हेल्दी स्टेट में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं। तो मेरे साथ आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे बहुत अच्छे पार्टनर हैं जो कि काउंसलर हैं, स्पेशली जो ए लेवल्स और ओ लेवल्स के जो बच्चे होते हैं, जो उनके काउंसलर हैं, करियर काउंसलर हैं। इसके अलावा हिप्नो थेरेपिस्ट हैं, ये नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट यूएसए से। एनएलपी प्रैक्टिशनर पाकिस्तान में बहुत कम हैं और मुजम्मिल मोहियुद्दीन उनमें से एक हैं। साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट हैं और रेकी मास्टर भी हैं ये। तो कैसे हैं मुजम्मिल आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस टाइम पे आपने बुलाया है। एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं और काफ़ी सारे टीनेजर्स इस वक्त इस मसले से दो चार हैं। आपको बुलाने का मकसद भी बेसिकली यही था कि आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं इसको लेके। तो मुजम्मिल, मुझे बताइए कि एक ज़माना था कि स्ट्रेस को रिलेट किया जाता था ओल्ड एज से, या डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटीज़ वगैरह, लेकिन आजकल के बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। क्या रीजंस हैं, मतलब ये टीनेज में ही स्ट्रेस और डिप्रेशन क्यों होने लगे, या इसका कोई डिफरेंस है हमारे एंगर से या हमारे डिप्रेशन से कुछ, मतलब या लेवल एक ही होता है? हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते समटाइम्स कि अगर हमें स्ट्रेस है तो हमारे बच्चों को भी स्ट्रेस हो सकता है। तो उसका इंटेंसिटी एक ही होती है या फिर ये कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल अलग होता है और हमारा अलग होता है, तो कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं? जिस टाइम कवल आप स्ट्रेस की बात कर रही हैं, तो स्ट्रेस सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस है क्या। जब आप स्ट्रेस की बात करती हैं, स्ट्रेस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमें एक्टिव करता है बताने के लिए कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। ये उस टाइम पे भी ट्रिगर होता है जब आपको पता नहीं हो कि आगे आपके लिए आ क्या रहा है, या एक सेंस ऑफ प्रेशर कि अब मुझे कुछ करना। हाँ, जिस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ये एक स्टेज बढ़ जाती है, तब वो अनहेल्दी स्ट्रेस होता। हमारे स्टूडेंट्स या हमारे बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने पे तारी कर लेता। आपके ख्याल में जो आपने बात की कि जो बच्चों को एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रेस हो रहा होता है, क्या रीजंस होते हैं और कुछ बताएं ज़रा, क्यों बच्चे एकदम से इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि उनकी कोई तैयारी ही नहीं है और वो बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हुए हैं? मतलब ऐसा होता है बच्चों के साथ? अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो आउट ऑफ 10 मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 8 बच्चों को ये ज़रूर होगी। इसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कह सकते हैं कि उनको परफॉर्म करना, उन्होंने एक सर्टन स्टैंडर्ड पे काम करना है, तो वो करने से पहले का स्ट्रेस है। अब जिस टाइम पे ये चीज़ जनरेट हो रही है, काफ़ी जगह पेरेंट्स की तवक्कोआत भी आ जाती हैं बीच में, कहीं पे सख्ती से, कहीं से पे नरमी से। एक जगह पे तो वो स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, आपने ये करना है, इतना परसेंटेज मुझे चाहिए, वो बच्चा अपने ऊपर ही। एक जगह पे ये बड़े एक डिप्लोमेटिक तरीके से या बड़े एक दोगले अंदाज से पेश किया जाता है कि मेरा बच्चे ने तो हमेशा मुझे, यू नो, ही हैज़ ऑलवेज मेड मी प्राउड, मेरा तो ये फ़खर है। अब उस फ़खर से मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, ग्रेड 8 के बच्चे से ग्रेड 9 का मटेरियल हैंडल नहीं हो रहा, दोनों सूरतों में। एक जगह सख्ती से,
एक जगह नरमी से, मैं कहूंगा ये नरमी वाला प्रेशर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बच्चा यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाता काफी दफा. क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की नहीं तोड़ी, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का बर्डन उसके कंधों पे बढ़ता चला जाता. एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड्स, आपके सराउंडिंग में लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. कॉन्स्टेंट कंपैरिजन बहुत बड़ा एक मसला है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो मैं भी मैथ्स में अच्छा हूँ. हो सकता है मैं आर्ट क्लास में दूसरे को ही कमाल दिखा रहा हूँ, या फिजिकल क्लास में मैं और कुछ कर रहा हूँ, या इंग्लिश की क्लास में मेरी राइटिंग स्किल्स बड़ी स्ट्रांग है, मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ. हर किसी की कैपेसिटी, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, हर किसी के एग्जीक्यूट करने का तरीका या उसको पेश करने का तरीका बहुत अलग होता है. यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बनाने वाले खालिक ने अंगूठे का छाप एक जैसा नहीं बनाया, तो जहन कैसे हो सकता है एक जैसा. बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी मुजम्मिल. तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आप टीनेजर्स को क्या सजेस्ट करते हैं और क्या उनको बता सकते हैं, कोई ऐसी टिप्स जिससे वो एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में जाके एग्जाम दे सकें अपना, और अपने आप को इस स्ट्रेस से, जो एक दो दिन पहले का स्ट्रेस होता है, उससे किस तरह निकाल सकते हैं. इसको अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल काम भी स्ट्रेस से निकलना ही है, लेकिन यकीनन अगर इस चीज़ को देख लें कि ये आपके कंट्रोल में, तो इस कैफियत से निकलना भी सबसे ज़्यादा आसान है. बहुत सी बेसिक चीज़ें जो बच्चे गलत करते हैं एग्जाम से पहले, वन ऑफ दैट इज लास्ट डे स्टडीज. आखिरी दिन पे कोशिश करें कि आप रिवाइज करें रादर देन डूइंग द एक्चुअल लर्निंग. असल लर्निंग की जगह सिर्फ रिविजन के नोट्स या पॉइंटर्स बना के अपने पास रखें. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या टिप दे रहे हैं, कि एंड टाइम पे पेपर से एक दिन पहले कोई नया मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है, और जो पुराना पढ़ चुके हैं उसी को रिव्यू करना है. अब वेदर वो 100% आपने पढ़ा है तो 100% रिव्यू करें, और अगर आप 50% आपने तैयारी की और 50% सिलेबस रह गया है तो उन नई चीज़ों को टच ना करें, जितना कर चुके हैं उतना ही रिव्यू करें, ताकि आप 100% दे सकें अपना, जो कि आप याद करके आए हैं वो पूरी तैयारी के साथ अपना बेस्ट दे के आएँ. एम आई मेक सेंस? यस यू डू. इसके अलावा खाने पीने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि डाइट सजेस्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है खाने की टाइमिंग और क्वांटिटी. एक चीज़ होती है कि जिस टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, या तो भूख बिल्कुल उड़ जाती है या बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है काफ़ी सारे केसेस में. कुछ बच्चों का मैकेनिज्म ये भी होता है कि जब उन्हें स्ट्रेस होता है, ये भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, ये बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है. या तो इसको बहुत नींद आएगी स्टूडेंट को, या तो नींद बिल्कुल उड़ जाती है. जैसे मुझे जिस टाइम पे मुझे स्ट्रेस होता है मुझे नींद आती है. ये बेसिकली एस्केप मैकेनिज्म होता है जहाँ आपको वो चीज़ फेस नहीं करनी है, बचना चाह रहे हैं इससे. कुछ लोग हैं वो ओवरथिंकिंग की स्टेट में जाते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा काम करने लगता और हेल्दी वे में नहीं, उस टाइम पे अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं, जैसे हम रेसिंग माइंड कहते हैं. रेसिंग माइंड के लिए जो एक बहुत, मैं बोलूँगा बहुत एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड फ्रॉम ओवर रेसिंग, या ऐसे ख्यालात को रोकने के लिए, इज कमिंग बैक इन द मोमेंट. उस कैफियत में वापस आना जहाँ पे आप मौजूद हैं, इसे हम इन मोमेंट टेक्निक्स कहते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग. जब आपको लगे कि दिमाग किसी और तरफ जा रहा है, या कहीं एकदम से कुछ नेगेटिव पैटर्न आने शुरू हो रहे हैं, उसी वक्त फ़ौरन रुक के जस्ट टेक अ मोमेंट आउट, जो भी कर रहे हैं उसे रोकें. एंड जस्ट फोकस के आप जब सांस भर रहे हैं तो सांस कैसे अंदर जा रहा है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, सर में दर्द होना, कंधे भारी होना, गर्दन में दर्द होना, पसलियों में एक टिंगलिंग सेंसेशन आना, काफ़ी सारे लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक उनका जो है वो रिएक्ट करने लगता है. उस टाइम पे जिस बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है ओवरऑल बॉडी रिलैक्सेशन, ये सबसे कॉमन माइग्रेन है कि बच्चों को सर में दर्द की कंप्लेन होगी कि जी सर में दर्द हो रहा है, या ब्लरी आई साइड हो रही है. कभी कभार बच्चों को टेम्परेचर भी फील होता है जो एक्चुअली थर्मामीटर पे आता नहीं है, लेकिन उनको फील हो रहा होता है. उसके लिए एक टेक्निक है दैट इज़ प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. करने का तरीका बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है.
करना स्टेप बाय स्टेप है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऐसी जगह पे बैठें, स्टेप वन, जो के बिल्कुल जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो और उस जगह पे आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जिस पे आप बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ सकें. फिर आँखों को एटलीस्ट इतने लेवल तक आप ऊपर करें कि आपको यहाँ इस एरिया में थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगे. उस टाइम पे आँखों को इधर लॉक करके आपने आँखें नीचे नहीं लानी, सिर्फ पलके गिरा देनी है. तो आँखें आपकी अभी भी ऊपर ही सेट हुई हुई हैं और जी अगर आप देखें तो अभी इसको ऊपर ही सेट किया, इस लेवल तक ये भी जा सकता और सिर्फ लिड्स गिरा दी. अब मेरी जो आंखें हैं वो अभी भी इसी लेवल पे सेट हुई हैं एंड आई कैन लैशेस नीचे कर दी. अब लेकिन यहाँ पे मुझे एक हल्का प्रेशर फील हो रहा है, विच इज फाइन. ये हमें चाहिए इन ऑर्डर फॉर दिस एक्सरसाइज टू वर्क. अब जब आपने ये चीज सेट कर ली है, बॉडी को एकदम से ढीला छोड़ने से बेहतर होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप या एरिया वाइज एरिया रिलैक्स करना शुरू करें. आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप स्कैल्प से स्टार्ट करेंगे. आपका बिल्कुल, अब काफी सारे लोग बोलते हैं जी स्कैल्प की स्किन कैसे ढीली छोड़े. यू जस्ट हैव टू थिंक. आपने सिर्फ सोचना है कि अभी ढीली होनी शुरू हो गई है और कुछ भी नहीं करना. इसी के साथ जैसे आपने जो मैंने अभी ब्रीदिंग का बताया कि आपने फोकस करना है कि आप सांस कैसे ले रहे हैं. अब जैसे आपने सारी अटेंशन यहाँ पे रखी हुई है, आप उसी तरीके से सांस लेना शुरू करें. अब इसको आपने एक दफा सिर्फ अफर्म कर दिया और कह दिया कि ढीला हो गया है, बट ये आपने मैसेज दे दिया आपको. लेकिन इस मैसेज के ऊपर फोकस्ड रहना कि हाँ मैंने अगर कह दिया तो ये होगा. अगर आपका बिलीव कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो एक्सरसाइज अनसक्सेसफुल रहेगी. अब जब आपने स्कैल्प को ढीला छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता आप पार्ट बाय पार्ट नीचे आएंगे. अब आपने आईब्रोज के ऊपर फोकस किया, फिर आईलिड्स के ऊपर, फिर आपने यहाँ पे फोकस किया आपकी जो चीक बोन है, कानों के ऊपर. अच्छा, सबसे प्रोमिनेंटली आपको पता चलेगा इस जगह पे जॉज पे, जॉज और मुंह के ऊपर. आपको फील होगा कि जैसे ही आपने इधर फोकस करना शुरू किया तो आपको खुद महसूस होगा टेंशन है. जहाँ पे टेंशन ज़्यादा लगे या लगे कि मैं नीचे इसको रिलैक्स करके मूव नहीं कर पा रहा, वहाँ पे रुक के 3-4 दफ़ा गहरा सांस लें और उसी तरीके से साइकिल को इस तरीके से कंटिन्यू करते करते गला, शोल्डर्स, गले की जब आप बात करें फ्रंट, बैक, साइड, और अगर उस टाइम पे लगे कि गर्दन ढल रही है तो उसको ढलने दें. इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए हाथों पे, पैरों पे, घुटने, आपने पूरी तरीके से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना है और स्टेट में थोड़ी देर रुकना. याद रहे आंखें आपकी यहीं पर इसी लेवल पर रहेंगी. एंड ऑल यू नीड टू डू इज जब आपने पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया, काउंट फ्रॉम 10 to 1 backwards, but in a decent manner. Decent manner in the sense कि आपने इसको जरा वक्त देना है. 10, 9, 8 and then you come back. ये करके बहुत ज़्यादा abruptly एकदम से आँखें नहीं खोलनी है. जब ये exercise ख़त्म कर दें, अब आपको कहना है कि अब मेरी body पूरी, you have to affirm to yourself, आपने कहना है अपने आप से कि मेरा जिस्म पूरी तरीके से ढीला हो चुका है and I'm feeling relaxed. ये चीज़ अफर्म करके आहिस्ता से आपने उसी स्टेट के अंदर, अगर ये होगा कि आपकी बॉडी झुक जाएगी एक डायरेक्शन में, ये बहुत एविडेंट है, ये होता है. आपने अपने बॉडी के पोस्चर को वापस रिगेन करना और वही जैसे काउंट कर रहे हैं लास्ट के 3 to 1 पे जब आप पहुंचे तो 3, 2, 1 और फिर आराम से आंखें खोलें. आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कितनी देर सो के उठे. आइडियली आई वुड से कि इस स्टेट को या इस प्रोसेस को 10 मिनट तक अगर आप करें, दैट्स वेरी हेल्दी. ड्यूरिंग एग्जाम्स अगर आप इसकी दिन में 3 दफ़ा की आदत बना लें तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा एक्सरसाइज खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, किसी भी, सिर्फ स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों को एंजाइटी जब होती है उस टाइम पर भी होता है कि पेट चलना शुरू हो जाता है, वो भी ये कर सकते हैं. अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या आप सजेस्ट? कीप इट लाइट. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली पेट चले जाए, लेकिन इतना भी ना ओवरडोज कर लें कि वहां जाके आपको सुस्ती महसूस हो. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस आपने दी बच्चों को, और आई होप कि ये बच्चों के लिए यूजफुल होंगी एग्जाम से थोड़ा पहले जो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा इससे होगा और आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करेंगे. आप, मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देती हूँ कि आप लोगों को क्या ब्रेकफास्ट में लाइट लेके जाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, 6 आवर्स की मिनिमम आपकी स्लीप होनी चाहिए,
इसके अलावा रात को क्या पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप सो सकते हैं, अपने कोर्स मटेरियल के बारे में सोचते हुए आपको नहीं सोना बल्कि अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में सोचते हुए सोना है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो पूरी रात एक पॉजिटिव उसमें सोच में रहेगा, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, ये बात आप अपने माइंड में रखें और इसको ज़रूर प्रैक्टिस भी रखें घर में, कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएं, नॉट ओनली एकेडमिक्स बल्कि इसके अलावा भी अगर आपको कभी स्ट्रेस हो रहा हो, तो जो मुजम्मिल ने आपको एक्सरसाइज बताई है अपने स्ट्रेस को फौरी रिलीज़ करने के लिए, वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकअल्लाह।